आफ्टरनून गाइस, कितनी तेज सनलाइट पड़ रही है ना फेस पर। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ आज घुमाने के लिए सरोजनी नगर। और इसकी डिमांड तो ना जाने मेरे पास कब से थी, कब से आप लोग देखना चाहते हो कि दिवाली से पहले सरोजनी नगर किस तरीके का लग रहा है और क्या क्या डेकोरेशन के आइटम सरोजनी नगर में अभी आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज कवर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, तो जुड़े रहना एंड तक क्योंकि कुछ नए आइडिया आपको दिखाई दे सकते हैं। सरोजनी नगर में स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे, खूब मज़े करेंगे। और स्ट्रीट शॉपिंग में जो खास बात होती है ना, वो ये होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है, जो कि मॉल वगैरह में थोड़े एक्सपेंसिव रेट्स पर होती हैं। देखते हैं कि सरोजनी नगर में दिवाली से रिलेटेड क्या है, क्योंकि ज्वेलरी में क्या मिल रहा है, शूज़ में क्या मिल रहा है, डेकोरेशन के लिए क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी आज। और व्लॉग के एंड तक जुड़े रहना क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के साथ हॉल भी शेयर करूँगी कि मैं क्या खरीद के लाई, अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो। चलिए फिर, तो हम लोग सरोजनी नगर पहुंच चुके हैं और अभी मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद जाएंगे मार्केट की तरफ। और यहाँ पर ना पार्किंग का थोड़ा झंझट सा रहता है, तो आप ना ध्यान रखिएगा कि मल्टी लेवल पार्किंग वाला जो एरिया है ना, उसके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उन बोर्ड्स को चेक आउट करते हुए आप मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो 1 आवर शायद 14 रुपीज है ना, आई थिंक कार पार्किंग 14 रुपीज है, आई थिंक बाहर मैंने बोर्ड पे पढ़ा था, तो कुछ इस टाइप से है। लेकिन फिर आप बेफिक्र होके रह सकते हो कि मतलब अगर आप सड़क पे खड़ी करके जा रहे हो तो डर रहता है ना कि कोई आपकी गाड़ी को टो करके ना ले जाए। तो इसमें स्टील का है ये लोटा, स्टील का लोटा है ये, 300 का सेट है। और खाली में ये लेना चाहूँ तो मटकी, अच्छा। तो सबसे पहली चीज़ मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पर जो मिल रहे हैं स्टिच्ड वाले ब्लाउज, और ये 150 रुपीज़ से स्टार्ट थे और फिर इसकी रेंज 550 तक थी, 250 में भी थे कुछ, जो मैं इस टाइम दिखा रही हूँ ये 150 रुपीज़ में थे और ये वाला 250 रुपीज़ में था। और ये जो मैंने अभी दिखा रही हूँ सिल्वर कलर में, और इसकी कॉस्ट 550 रुपीज़ थी। जो भी थोड़े से भी क्या कहते हैं फैंसी ब्लाउज थे उनकी कॉस्ट 550 रुपीज़ थी, और जो सिंपल थे वो उनकी कॉस्ट 150 और 250 के अराउंड थी। तो सरोजनी नगर में बार्गेनिंग थोड़ी बहुत चल जाती है, अगर कोई भी चीज़ आपको प्राइसी लग रही है तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, ये कुशन कवर और सोफे के कवर, बेडशीट वगैरह यहाँ पर सब कुछ थी। तो मैं पूछ ही रही थी कि कुशन कवर कितने के दिए, तो कुशन कवर की कॉस्ट थी 500 रुपीज में 5 पीसेस। तो दिवाली की जो असली रौनक होती है वो होती है लाइट से, तो लाइट बड़ी प्यारी प्यारी मिल रही थी, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में 150 रुपीज में। ये झलर वगैरह मिल रही थी जो कि आप पूजा मंदिर में लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेंगी। और ये जो होल्डर है, ये बल्ब होल्डर, ये आपको मिल रहे थे 200 रुपीज में। दिवाली पर सजाने के लिए हैंगिंग डेकोरेशन मिल रही थी 250 रुपीस में, जिसे मैंने बार्गेनिंग करके 100 रुपीस में ले लिया था, 100 रुपीस में पेयर मैंने लिया था इसका। ये वाला जो वॉल हैंगिंग था ये मिल रहा था 150 रुपीस में ईच। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको ज्वेलरी जो कि सरोजनी नगर में बहुत ही सही प्राइस पर मिल जाती है। तो ये जो मैं नेक पीस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेकलेस वगैरह, ये सारे के सारे 100 रुपीस में हैं। तो ज्वेलरी यहाँ पर सबसे सस्ते प्राइस में मिल जाती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। अगर कहीं और मार्केट से अगर आप ज्वेलरी देखने चलोगे तो काफ़ी प्राइसी होती है, जैसे कि ये वाले जो मैं इयररिंग्स दिखा रही हूँ ये 30 रुपीस में थे, और देख रहे हैं आप कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइन हैं इसमें। और इसके थोड़ा आगे बढ़ी जब मैं अगली स्टॉल्स पर, तो मैंने देखा कि 20 रुपीस में भी बहुत खूबसूरत इयररिंग्स मिल रहे थे। तो ये जो इयररिंग्स मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको, ये थे ओनली 20 रुपीज़ में, और इसमें भी बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस थे, देखने में भी अच्छे थे,
क्वालिटी जो थी इन सारी इयररिंग्स की ओके थी, लेकिन इनके प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी मैं कहूँ तो फिर भी बहुत बेटर थी। और ये वाले जो इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये थे 100 रुपीज़ में, और इनकी क्वालिटी 20 और 30 वाले इयररिंग्स की क्वालिटी से फार बेटर थी, और इनके डिज़ाइंस भी ज़्यादा सुंदर थे और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे और बहुत सारे डिज़ाइंस भी थे साथ में, लंबे बड़े छोटे चाहे कैसे भी इयररिंग्स हो सबके सब ओनली 100 रुपीज़ में ही थे। अभी मैं आपको और क्वालिटी वाले इयररिंग्स दिखाने वाली हूँ जिनकी रेंज थी 250 रुपीज़ 300 के अराउंड, और इनमें भी बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थे, सारे लेटेस्ट डिज़ाइन थे। मतलब अभी करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो ना ज्वेलरी, तो सरोजनी नगर जो है बहुत ही बेस्ट प्लेस है। कम प्राइस में आपको अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है, ट्रेंडी ज्वेलरी मिल सकती है, जो कि मार्केट में अक्सर जो है अगर आप दूसरे प्लेसेस पर जाकर देखोगे तो थोड़ी महंगी मिलती है। तो ये वाले जो ब्यूटीफुल टेसल इयररिंग्स देख रहे हैं आप, इनकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, और सारे के सारे ये वाले जो इयररिंग्स मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको, ये 100 रुपीज़ में ही थे। आपको तो याद ही होगा कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए बाहुबली इयररिंग्स खरीदे थे, और वो मैंने अपने आसपास के मार्केट से परचेस किए थे। यहाँ पर मैंने बाहुबली इयररिंग्स की कॉस्ट पूछी तो ये भी 450 रुपीज़ में दे रहे थे, लेकिन इन इयररिंग्स की क्वालिटी वो नहीं थी जो मैंने अभी परचेस की थी रिसेंटली, क्योंकि इसमें नगों का काम नहीं हो रहा था। फिलहाल मैं ये झुमकियाँ दिखा रही हूँ आपको, ये झुमकियाँ थी 250 और 300 के अराउंड में, तो 250 रुपीज़ में बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स मिल रहे थे। ये चांद वाली 250 रुपीज़ में ही थी। घर के लिए मैं फुटमैट वगैरह देख रही थी तो ये मुझे मिल रहे थे 150 रुपीज़ में, लेकिन मुझे इतने खास पसंद नहीं आए क्योंकि इसमें नीचे की तरफ रबर लगी हुई थी, और मुझे कुछ ऐसे फुटमैट चाहिए थे जो कि मैं वॉशिंग मशीन में इजीली धो लूँ। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग से लिया छोटा सा ब्रेक, और मैं खा रही हूँ सरोजनी नगर की फेवरेट चाट, क्योंकि अगर सरोजनी नगर आओ या कोई भी स्ट्रीट शॉपिंग करने आओ और वहाँ की पानी पूरी ना खाओ तो मतलब मज़ा अधूरा रह जाता है। तो ये जो कड़े मिल रहे थे ना, ये 100 रुपीज़ में पेयर मिल रहे थे। मैं तो अक्सर क्या करती हूँ, चूड़ियों के बीच में इस टाइप के बैंगल्स लगा लेती हूँ या चूड़ियों के आगे पीछे बैंगल्स लगा लेती हूँ, तो चूड़ियाँ ना अच्छी लगती है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, और 100 रुपीज़ में तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर थे। यहाँ पर ड्रेस पर पहनने के लिए सिंगल कड़े नहीं होते हैं, वो भी बहुत प्यारे मिल रहे थे। ये घुंघरू वाला कड़ा कितना सुंदर लग रहा है ना, ये 100 रुपीज़ में ही था। बल्कि जो भी आप यहाँ पर कड़े देख रहे हैं ना, वो सब के सब 100 रुपीज़ में थे, और बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल थे। तो ज्वेलरी में तो मैं कहूँगी सरोजनी नगर का जवाब नहीं है, इतने कम प्राइस में आपको कहाँ ज्वेलरी मिलने वाली है यार, वो भी इतनी सुंदर सुंदर स्टाइल की। अब बारी आती है घर के डेकोरेशन की, तो मैं लैम्प शेड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो लैम्प थे वो 250 रुपीज़ में थे। जो भी आप लैम्प देख रहे हैं ये सारे के सारे 250 रुपीज़ में ही थे, और जो बड़े वाले थे थोड़े से महंगे थे इससे, लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे वाले लैम्प देख रहे हो किसी भी डिज़ाइन में, वो सब 250 रुपीज़ में थे। अगर मैं सरोजनी नगर में कपड़ों की बात करूं तो दोनों तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे वहां पर। कपड़ों की अच्छी वाली शॉप्स भी हैं जहां से लोग कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं, डिज़ाइनर्स कपड़े वगैरह सब तरह के कपड़े वहां पर मिल जाते हैं। और अगर मैं स्टॉल्स की बात करूं तो ये जो स्टॉल्स पे मैं कुर्तियाँ चेक कर रही हूँ रेगुलर में पहनने के लिए, इन कुर्तियों की कॉस्ट 150 रुपीज़ थी, और घर में पहनने के लिए मतलब एक आध बार आप बाहर भी जाकर पहन सकते हो और फिर बाद में से घर में भी यूज़ कर सकते हो, तो उस हिसाब से मुझे इनके कपड़े अच्छे लग रहे थे। फिटिंग जो थी इनकी आपको करानी पड़ेगी। लास्ट टाइम जब मैं सरोजनी नगर आई थी मैं ये स्कर्ट लेकर गई थी कशिश के लिए, और यहाँ पर स्कर्ट्स ना बहुत सारे कलर्स में मिल जाती हैं, और ये ओनली 200 रुपीज़ के अंदर ही होती हैं। शॉर्ट स्कर्ट है ये सारी की सारी, पहनने में अच्छी भी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। और अभी मैं बेडशीट की बात करूँ तो ये सिंगल बेडशीट थी जो कि मिल रही थी यहाँ पर, कॉटन फैब्रिक था इनका, और इनकी कॉस्ट थी 200 रुपीज़। हाँ, 200 रुपीज़ ईच थी इनकी कॉस्ट। I'm calling up 'cause I'm right under the stars.
तो यहाँ पर मैं इतने सारे कुशंस जो आपको दिखा रही हूँ ना गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे ये कितने सस्ते थे। ये 200 रुपीज़ में 5 पीसेस थे, जबकि जनरली 100 रुपीज़ में 1 पीस मिलता है, और यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ में मिल रहे हैं 5 पीसेस। और मैं बता दूँ, सरोजनी नगर में यही नहीं, बहुत सारा डेकोरेशन का आइटम अंडर 100 रुपीज़ के अंदर था। अगर आप बजट में शॉपिंग करना चाह रहे हैं ना, तो सरोजनी नगर सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि सरोजनी नगर में आपको बजट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो स्टॉल्स हैं, मैं शॉप्स की भी बात करूं तो वहां पे भी सही प्राइस पर मिल जाती हैं। ये स्लीपर्स की बात करूं तो स्लीपर्स भी यहाँ पर कहते हैं 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ में थी, और जो शूज़ थे उनकी कॉस्ट 350 रुपीज़ में थी। ये शूज़ तो काफ़ी दिनों से ट्रेंड में चल रहे हैं, काफ़ी लड़कियां पहनना इन्हें पसंद करती हैं, तो 350 रुपीज़ में आपको शूज़ भी मिल रहे हैं यहाँ पर ट्रेंडी वाले, और मतलब अच्छे लगते हैं यार आउटफिट्स के साथ जब आप पहनते हो, शॉर्ट कहते हैं ड्रेसेस वगैरह के साथ जब आप ये शूज़ पहनते हो तो बड़े क्यूट लगते हैं। अगर आप अपने लिए कोई फैंसी सा पार्टी वेयर वाला सीक्वेंस वाला टॉप ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे वैरायटीज़ में था यहाँ पर टॉप, बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल था, और ये 300 रुपीज़ में थे। यहाँ पर हैंडलूम की बहुत बड़ी बड़ी वाली शॉप भी हैं, जैसे कि मैं आपको ये वाली जो शॉप दिखा रही हूँ, ये नीलम हैंडलूम शॉप है, जिसका शॉप नंबर है 136, और इसी के आसपास बहुत सारी और हैंडलूम्स की शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको कुशन कवर, पर्दे, बेडशीट, और कहते हैं टेबल मैट, सोफे का कवर, ये सब कुछ मिल जाएगा आराम से। अगर इस दिवाली आप अपने घर को फूलों से सजाना चाहते हैं तो सरोजनी नगर में फ्लावर की बहुत बड़ी वाली शॉप थी, और इसका नाम था मोहिनी फ्लावर शॉप, और इसका जो नंबर था शॉप का वो 38 था। यहाँ पर मैंने कार्ड भी दिखा दिया आप लोगों को, तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब इसको देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं सारे फ्लावर्स अपने घर के लिए ले जाऊँ, मुझे फ्लावर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको कुछ वॉल पेंटिंग्स भी दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ब्यूटीफुल थी, और इसका शॉप नंबर था 137, और ये छोटी वाली जो पेंटिंग थी ये 150 रुपीज़ में थी, और जो बड़ी पेंटिंग्स थी उनकी कॉस्ट ऑफकोर्स ज़्यादा थी, लेकिन ये जितनी भी छोटी वाली मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओनली 150 रुपीज़ में थी। डिज़ाइनर साड़ी सूट और फैंसी साड़ी या सूट, अगर आप दिवाली या फेस्टिवल के टाइम के लिए ढूंढ रहे हो या कोई फंक्शन पार्टी है, तो आप सरोजनी नगर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरोजनी नगर में ऐसी वाली बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको कपड़ों की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो ये बाबू मार्केट में fashion.com करके जो मैं शॉप दिखा रही हूँ, ये मैं कम से कम 7-8 साल से तो देख ही रही हूँ, और इस पर भी बहुत फैंसी टाइप की स्लीपर्स मिलती हैं, इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ये शॉप बहुत ही अच्छी है फैंसी स्लीपर्स के लिए। ये जो मैं स्लीपर्स दिखा रही हूँ इस टाइम 300 रुपीज़ में है,
और बहुत सारी वैरायटीज़ में थी ये वाली स्लीपर्स भी, पार्टी वेयर से लेकर नॉर्मल वेयर तक आपको हर तरह की यहाँ पर स्लीपर्स आराम से देखने को मिल जाएंगी। मैं यहाँ से काफ़ी स्लीपर्स परचेज करती थी पहले। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और लगभग हम लोग सारी शॉप्स उठवा कर जा रहे हैं सरोजनी नगर की, बंद करवा दी हमने। हाँ, अब हम घर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया आप घर जाओ, अब आपने बहुत घूम लिया। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दिवाली से पहले सरोजनी नगर का टूर, तो आज वो पूरा हो चुका है। मैंने आज आप लोगों को दिखाया सरोजनी नगर का टूर, अब साथ में मैं हॉल भी शेयर कर रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं लेकर आई हूँ सरोजनी नगर से, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई हूँ मैं। और सरोजनी नगर में इस टाइम डेकोरेशन का सामान मिलना स्टार्ट हो गया है, ख़ासतौर से अगर मैं हैंडलूम शॉप्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो हम लोग दिवाली पर चेंज करने का सोचते हैं अपने घर के मेकओवर में, जो हमारा एक मेन पार्ट रहता है वो होता है सोफे का कवर, बेड शीट्स, टेबल रनर, कुशन कवर्स, ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है अक्सर हर कोई चेंज करता है दिवाली के टाइम पर। अगर आप बजट में कुछ ढूंढ रहे हैं अपने घर की डेकोरेशन के लिए दिवाली पर, तो आप एक राउंड लगाकर देख सकते हैं सरोजनी नगर का, क्योंकि सरोजनी नगर में इस टाइम आपको 200 के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी डेकोरेशन से रिलेटेड। और सरोजनी नगर में ज्वेलरी की भरमार है, मतलब अगर आपको कोई ज्वेलरी चाहिए और आपको अपने लहंगे साड़ी या किसी भी सूट के मैचिंग की कोई भी ज्वेलरी अगर ढूंढ रहे हो दिवाली करवा चौथ वगैरह पर पहनने के लिए, तो सरोजनी नगर बेस्ट प्लेस है। वहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी दिखाई दे जाएगी, मतलब हर रेंज में है यार, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ में तो आप बहुत सुंदर से सुंदर कहते हैं इयर रिंग्स देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है जब हम साड़ी पहनते हैं या कुछ लहंगे पे, तो फिर भी हम थोड़ी बहुत ज्वेलरी ज़्यादा पहन लेते हैं, लेकिन साड़ी और सूट जब पहनते हैं तो हम लोगों को बस लगता है कि बड़े बड़े से इयर रिंग्स पहने और उसी से काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो 250 रुपीज़ के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत बहुत सारी ज्वेलरी का कलेक्शन है, और 30 और 50 रुपीज़ में भी बहुत तरह की ज्वेलरी थी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो भर भर के थी वहाँ पर, मतलब अगर अभी तो गरबा निकल गया, लेकिन गरबा से पहले अगर आप ज्वेलरी ढूंढ रहे थे ना सरोजनी नगर में, मतलब आप 20-30 रुपये में आराम से हर चीज़ खरीद के ला सकते हो, ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर। जिसमें से कि एक मैं भी लेकर आई हूँ, ये इयरिंग्स, आपको तो पता है कि मुझे इयरिंग्स का बहुत शौक़ है, तो जब भी मैं कभी शॉपिंग के लिए ऐसे जाती हूँ स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, तो ख़ास तौर से तो मैं इस टाइप के इयरिंग्स ज़रूर खरीदती हूँ। तो ये मुझे 30 रुपीज़ में मिल गए थे, और आगे चलकर मैंने मतलब 2-3 दुकानें ऐसे, स्ट्रीट शॉपिंग तो आप जानते ही हैं, तो मैंने जैसे 2-3 स्टॉल्स चेंज करी तो मैं आगे बढ़ी, तो मैंने देखा यही इसी टाइप के इयरिंग्स, बल्कि इससे बड़े बड़े इयरिंग्स भी 20 रुपीज़ में मिल रहे थे। तो मैंने तो 30 रुपीज़ में लिए, लेकिन आपको ये 20 रुपीज़ में भी वहाँ पर दिख जाएंगे, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हैं। उसके अलावा मैं ये एक ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, ये है ये 100 रुपीज़ में था, यस, और बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने के बाद, और ये दिवाली के आउटफिट के साथ जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा है ये ब्रेसलेट, और ये मैं लेकर आई हूँ कड़े, 2 कड़े, और ये थे 100 रुपीज़ में। नेक्स्ट चीज़ है वो है डेकोरेशन के लिए, तो ये लाई थी मैं गणपति जी, और ये बहुत ही प्यारे हैं। इसमें पीछे हैंगिंग के लिए ये भी दिया हुआ है हुक, तो इस तरीके से आप इसे वॉल पर भी हैंग कर सकते हो, और ये ओनली 50 रुपीज़ में है। इसमें 2-3 तरह के कलर भी थे, और साथ में इससे बड़े वाले भी थे, इतने बड़े वाले भी थे गणपति जो वॉल पर हैंग कर सकते हो, वो 100 रुपीज़ में थे, और ये थे 50 रुपीज़ में। और नेक्स्ट मैं ये जो लेकर आई हूँ वॉल हैंगिंग, ये भी आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे सरोजनी नगर में, बल्कि ये वो लोग बोलते हैं 250 रुपीज़ के, लेकिन आप उन्हें बार्गेनिंग कर सकते हो, ये आपको 100 रुपीज़ में लग जाएंगे, आपको आराम से 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और सरोजनी नगर में कुछ लोग तो बार्गेनिंग कर लेते हैं, कुछ लोगों की फिक्स प्राइस रहते हैं, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, वैसे ज़्यादातर वहाँ पर बार्गेनिंग चल जाती है। जैसे मैं तो लेकर आई हूँ ये पिकॉक वाले, इनमें गणपति वाले भी थे, फिर इसके अंदर हाथी वाले भी डिज़ाइन था, तो 2-3 तरह के डिफरेंट डिज़ाइन थे। और फिर मैं एक मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगी मंदिर के लिए, मुझे वो चाहिए थी झल्लर मंदिर में लगाने के लिए, और मंदिर में लगाने के लिए मुझे बहुत ही प्यारी झल्लर मिली है, इस टाइम मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं ये लेकर आई हूँ मंदिर में लगाने के लिए झल्लर, और बहुत प्यारी सी है, इसमें 3-4 तरीके की थी, एक ये रोज़ वाली है जिसमें रोज़ पेटल मतलब रोज़ बने हुए हैं, बहुत प्यारी है ना, तो ये भी अच्छी लग रही है ना, आपको भी अच्छी लगी होगी,
तो टेंपल में लगाऊंगी मैं अपने। तो जो नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ वो है ये बहुत ब्यूटीफुल सा कुशन कवर, ये सीक्वेंस वाला कुशन कवर है। इसे इस तरीके से रिवर्सिबल कर सकते हो, देखिए अब गोल्डन हो गया, और चाहिए तो फिर आप इसे ब्लू कर सकते हो। तो मैं ये एक कुशन कवर लेकर आई हूँ, सिर्फ एक ही क्यों लाई हूँ क्योंकि मेरे बेडरूम में ना एक छोटा कुशन है, तो ये मैं उसके पर्पज से लाई हूँ। बाकी दो बड़े हैं, तो दो बड़ों वालों के लिए तो मैं ले आई थी दिल्ली हाट से, और छोटे वाले के लिए मैं लेकर आई हूँ सरोजनी नगर से। और अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ, लास्ट जो मैंने हॉल शेयर करा था आपके साथ उसमें एक कांच की बाउल शेयर करी थी ना, जिसमें आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे उसमें कैंडी रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि दिवाली के टाइम पर आप उसमें मिठाई रखिए, बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अच्छा लगा, हाँ मिठाई रखने वाला आइडिया बहुत अच्छा था, कैंडी रखने वाला, ये सारे आइडिया अच्छे थे। तो पहले मैं उसको सोची थी अपने वैनिटी के ऊपर कॉटन पैड्स वगैरह रखने के लिए यूज़ करूँ, लेकिन वो इतना बड़ा है, एक तो इतना बड़ा है वो, और काफ़ी हैवी है, तो इतना बड़ा होने की वजह से वैनिटी पे बहुत सारी प्लेस भी घेर लेगा, और उसके बहुत उसको और भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा फिर मुझे आज एक अच्छी चीज़ दिख गई कॉटन पैड्स रखने के लिए, तो अब मैं इसमें कॉटन पैड्स रखूँगी और उसको वैसे ही मिठाई या कैंडी रखने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने आज एक और चीज़ खरीदी है, वो भी 100 रुपीज़ में ही है ये भी, और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ग्लास का ही है ये भी, और इसकी कैप इस टाइप से है। तो अब मैं सोचूँ इसमें अपने कॉटन पैड्स रखती हूँ, और ये बहुत कम जगह में भी आ जाएगा, छोटी सी जगह में, और मेरी वैनिटी के ऊपर अच्छा भी लगेगा। तो मैंने आज सरोजनी नगर में ना बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कवर करी हैं जो कि दिवाली के टाइम में डेकोरेशन के लिए काम में आती हैं, तो मैंने वही चीज़ें दिखाई थी, इसीलिए मैंने आज कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कपड़े तो आपको पता ही है सरोजनी नगर में 200 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में बहुत तरह के मिल जाते हैं। बस यही था मेरा सरोजनी नगर का टूर और हॉल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपके YouTube स्क्रीन पर इजीली पहुंच जाएंगी, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली हैं और भी फंटास्टिक वीडियोस। तो बस चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइज, गुड नाइट। I'm calling up 'cause I'm right under the stars.